रिटायर्ड कर्नल मान सिंह इन दिनों पहाड़ी क्षेत्र के दौरे पर हैं। लगभग 35 किलोमीटर पैदल यात्रा करने पर वह इंदूर दराज के इलाकों में पहुंचे। यहां पहुंचने पर लोगों ने उन्हें सबसे बड़ी जो समस्या बताई वह संपर्क सड़कों की, इसके अलावा बिजली पानी चिकित्सा की समस्या के बारे में चर्चा हुई। देहोता पंचायत पहुंचकर उन्होंने वहां बने फुटब्रिज का उद्घाटन किया। उनके साथ ही इस पंचायत के रहने वाली ब्लॉक बगन की डीडीसी अध्यक्ष निशा देवी ने उनका स्वागत किया। यहां पर पहुंचने के बाद डीडीसी अध्यक्ष कर्नल महान सिंह ने यहां बने फुटब्रिज का उद्घाटन किया। यहां के बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की समस्या का हल धीरे धीरे हो रहा है। इस फुटब्रिज बनने से लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि पहले लोगों को दरिया पार करके पहुंचना पड़ता था, जो कि बहुत ही जोखिम का काम था। इसके साथ ही यहां पर एक राशन डिपो भी खुल गया, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहां के लोगों को राशन लेने के लिए पैदल काफी दूर चलना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने अब यहां पर एक हाई सेकेंडरी स्कूल, अस्पताल और संपर्क सड़क की मांग की है। कर्नल महान सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया, आप लोगों की मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा और इसके बारे में एलजी मनोज सिन्हा से बात की जाएगी। दुआ इतना डॉक्टर चाहिए, मोदी साहब की मेहरबानी है कि उन्हें घर घर असें सहूलत दी। बस मैं इतना बोलना चाहता, ज्यादा रिस्पेक्टेड सर, बीजेपी के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी लोकल पंचायत होम पंचायत देवता के लोग, मैं सबका और सर का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे एक पहाड़ी इलाके में विजिट किया। आज हमारा जो इनॉग्रेशन था वो था राशन स्टोर का, जो हमारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जब मैं आपको बता दूँ, जब मैं सरपंच बन के यहाँ पे आई थी तो हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किल सामना करने पड़ती थी, इसके लिए दूसरी पंचायत में जाते थे और वो लोग इनसे एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी चार्ज करते थे। लेकिन आज की डेट में मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है, और अगर हम आप लोग यहाँ से राशन लेते हो तो आपको जो गवर्नमेंट रेट प्राइस है वो उसी रेट में यहाँ पे मिलेगा, जो बिलावर में है वहीं पे वही द्योता में मिलेगा, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा हमारी निरंतर कोशिश है कि यहाँ की जो मैक्सिमम डिमांड्स हैं, यहाँ के फुटब्रिजेस थे, राशन स्टोर था, इसके अलावा रोड्स की हैं, फुटब्रिज बन गया, राशन स्टोर भी बन गया, और जो हमारे रोड के काम है वो ऑन गोइंग है। मैं कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ इस मुसीबत में खड़े हों और हमें उसका सोल्यूशन भी करके दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। आज यहाँ द्योता पंचायत के द्योता के स्थान पर एक राशन स्टोर का उद्घाटन किया है, जो तकरीबन 6 लाख रुपए की लागत से बना है। और ये सेल डिपो बनने से ये पूरा जो द्योता पंचायत है, जिसमें तकरीबन 4000 के लगभग जो है वो पॉपुलेशन है इसकी, और इसको पूरी पंचायत को इसका फ़ायदा होगा। इससे पहले ये लोग जो थे, ये दूर दराज का इलाका है और ये कम से कम 25 किलोमीटर मैं यहाँ पर चल के आया हूँ, तब यहाँ पर पहुँचा हूँ, और अभी तक ये लोग 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जो मढ़ून पंचायत है, एक बलाबर की पंचायत है, वो वहाँ से राशन लेते थे, और जो डीलर थे वो इनको एक्स्ट्रा चार्ज भी करते थे, लेकिन यहाँ पर राशन आने से जो नॉर्मल जो रिटेल राशन का जो रेट है गवर्नमेंट सेल डिपो में, उसी रेट के ऊपर यहाँ पर लोगों को राशन मुहैया होगा। और यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी ये राशन स्टोर यहाँ पर आ जाने से, क्योंकि अभी तक ये इतने दूर, यहाँ के जो नौजवान लोग हैं वो कारोबार के मसले में या अपने जो भेड़ बकरी चराने के लिए दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, और घर में जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी होती थी, लेकिन अभी ये फैसिलिटी बन जाने से यहाँ पर ही ये जो इसकी जो राशन है मुहैया होगा। मेरे साथ निशा जी हैं, जो जहाँ की बगन ब्लॉक की डीडीसी की चेयरपर्सन हैं। हमारे साथ कैप्टन हरनाम सिंह हैं, जो बीजेपी के
उप जिला प्रधान हैं और यहाँ पर हैं हमारे साथ इस इलाके के ये लोकल हमारे लीडर और भाई धर्मचंद जी और बाकी यहाँ के जो प्रतिष्ठापूर्वक नागरिक हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और सरकार को भी बधाई देता हूँ कि जिसने ये कैपेक्स बजट के थ्रू पैसे मुहैया कराए गए और जिसका भरपूर फायदा इस इलाके को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साहब, एक मिनट सर, भारत माता की करिए, एक मिनट। हाँ, मारे फोटो मार। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। कर्नल मान सिंह जी जिंदाबाद। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।